नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सिलीगुड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इरेगुलर पीरियड्स एंड फर्टिलिटी। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, जिसमें करीब 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, दैट मीन्स अंडे फूटने की प्रक्रिया होती है। 21 दिन से 35 दिन के बीच में अगर साइकिल होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। 21 दिन से कम शॉर्ट साइकिल्स होता है एंड 35 दिन से ज़्यादा लॉन्ग साइकिल्स कहा जाता है। तो अगर आपके पीरियड्स बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कम ब्लीडिंग है या फिर 21 दिन से पहले या मोर देन 35 डेज का साइकिल है तो उसे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो किन कारणवश एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो सकते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कॉजेज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेल पैटर्न हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। पीरियड्स इरेगुलर होने का कारण होता है एन ओव्यूलेशन, मतलब अंडे फूटने की प्रक्रिया इनमें नहीं होती है, जिनके कारण कभी कभी पीरियड्स लेट से आता है एंड कभी कभी पेशेंट्स तो ये कहते हैं कि उन्हें दवाई लेने से ही पीरियड्स आता है, नहीं तो पीरियड्स खुद से आता नहीं है। सेकेंड कॉज कैन बी हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स। थायराइड ज़्यादा एंड कम दोनों ही अच्छा नहीं है मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के लिए, एंड अगर प्रोलैक्टिन हाई हो तो उसमें भी हार्मोन के संतुलन ख़राब हो जाता है, जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। थर्डली, अगर आपके अंडे का रिजर्व कम हो रहा है तो भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स टाइम के पहले आना शुरू हो जाता है एंड स्कैंटी फ्लो भी हो सकता है। अगर आप बहुत ओवरवेट है या अंडरवेट है तो भी हार्मोनल संतुलन खराब होने के कारण पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है एंड आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड मीट योर फर्टिलिटी कंसल्टेंट सो दैट दे कैन गाइड यू बेटर। थैंक यू।